हम लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आपने जो किया हम बर्दाश्त करते गए, आज हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, मरते दम तक अगर आप अंतिम दिसंबर 2022 तक बहाली पूर्ण नहीं किए, आपकी सरकार क्या आपको मजबूर होना पड़ेगा, अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और नीतीश तेजस्वी जो चाचा भतीजा हैं उनसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि समाजवादी जो आप दावा करते हैं खोखला दावा, उस दावे को छोड़िए और अपने समाजवादी के नियमों पर आइए, ठीक है। और अगर आपके अंदर साहस है, अगर तेजस्वी बाबू आप अपना भविष्य बचाना चाहते हैं, तो पलटू चाचा के साथ साथ आप उनको सही डिसीजन बताइए कि आप दिसंबर 19 तक संपूर्ण बहाली होना है। 5 दिन का टाइम देते हैं संपूर्ण बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने का। 6ठा दिन बिहार बंद का आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, सरकार के नाक में दम कर देंगे, जिस तरह सरकार ने 4 साल से हमारे नाक में दम किया, हमको मारा ना। अरे हम अपने हर तराने में हमेशा गाएंगे तुझको, अरे लहराएंगे तुझको या लिपट कर आऊंगा, है ना, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर लहराऊंगा तुझको। मेरा तिरंगा का जो अपमान हुआ उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं लाठी चार्ज जो हम पे किया है वो पदाधिकारी नहीं किया है, नीतीश चाचा करवाया है, तेजस्वी चाचा करवाया है, ठीक है। और पदाधिकारी को जो है वो इस भारत का जो समाज जो संविधान जो सजा देना चाहता है वो दे सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है सर, हम लोग आप जानते हैं हमारा बाप जो है ना रोज मौत को एक दिन टाल इसलिए देता है कि कहता है हो अल्लाह पाक। हमारे तिरंगे के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया जिसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी 3 मांगे हैं सर। सबसे पहला मांग ये है कि हमारे तिरंगे के साथ जो अपमान हुआ उसका इंसाफ हो, हम जिंदगी भर उसे माफ नहीं करेंगे, नीतीश सरकार हो या कोई भी सरकार। दूसरा मेरा मांग है हम 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, 5 दिन का अल्टीमेटम नीतीश सरकार को देते हैं जो भांग पी करके सोए रहते हैं, नीतीश बाबू को देते हैं, सुशासन बाबू को देते हैं, ठीक है, कि आप अगर 5 दिन के अंदर संपूर्ण 7वां फेज 6 to 8 अगर जारी नहीं करते हैं तो 6ठा दिन हम अकेले या हमारे जितने भी बहेरावासी और बिहारवासी शिक्षक संघ हैं सब ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, आपके कलेजे से आपके घर से खींच करके हम 7वां नोटिफिकेशन आपके कलेजे से खींच के लेंगे, नोटिफिकेशन संपूर्ण बहाली। 1 मिनट सर, हमारी बात, हम तो मार खा चुके हैं ना, हमारा दर्द आज न कल कम हो जाएगा मगर हमारा तिरंगा जो मार खाया उसका दर्द नहीं कम होगा, हमारी बात कहने दीजिए, बीच में रोकिए मत। दूसरी बात